अभी के टाइम में इंडिया में सबसे चीपेस्ट 5G डिवाइस की बात करें तो OnePlus Nord एक ऐसा डिवाइस है जो आपको 25,000 रुपए के प्राइस बजट पर 5G सर्विस ऑफर करता है। बट अब सीन थोड़ा सा चेंज होने वाला है क्योंकि Motorola बहुत ही जल्द इंडिया में अपना सबसे चीपेस्ट 5G डिवाइस लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Motorola G5G डिवाइस के बारे में। आई नो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि मुझे भी लगा था कि Realme की जो X7 सीरीज है वो इंडिया में सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन लेकर आ सकती है। बट अब Motorola G5G विल बी द फर्स्ट चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन इन इंडिया। तो Realme और Xiaomi से पहले इस बार Motorola ने बाजी मार ली और इंडिया में अपना पहला चीपेस्ट 5G डिवाइस लेकर आने वाले। ये डिवाइस लास्ट वीक BIS सर्टिफिकेशन पर सपोर्ट किया गया था और जो मुकुल शर्मा है उन्होंने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी किया था और आज उन्होंने एक एक्सक्लूसिव ट्वीट किया जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि Motorola G5G के साथ साथ Motorola G9 Power दो डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो लॉन्च डेट बताई है वो बहुत ही जल्द है, मतलब हार्डली आप मान के चलो कि 1 से 2 वीक में ये ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। ये डिवाइस ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है और जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑफिशियल कन्फर्म्ड हो चुके हैं। बट इंडिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाला है इसका प्राइस। बताया जा रहा है ये डिवाइस 20,000 से कम के प्राइस बजट पर इंडिया में लॉन्च होगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको इस प्राइस बजट में एक 5G डिवाइस देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में 4GB 64GB का प्राइस है लगभग 26,000 रुपये और इंडिया में 4Shore जो डिवाइस है बहुत ही कम प्राइस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जो ग्लोबल मार्केट है उसके कंपैरिजन में इंडियन प्राइस डेफिनेटली कम देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए कुछ टाइम पहले Motorola One Fusion Plus लॉन्च हुआ था जो ग्लोबल मार्केट में 27,000 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था और इंडिया में उसका प्राइस सिर्फ 17,000 रुपये के करीब देखने को मिला था। अब ये डिवाइस 5G डिवाइस होगा तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्राइस आपको लगभग 10,000 का ही डिफरेंस रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली ये जो डिवाइस है ये आपको 18-19,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये डिवाइस 6.7 इंचेस के एक फुल HD+ IPS LCD पैनल के साथ में आएगा जो कि सेंट्रल पंच होल के साथ आने वाला है। ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करेगा तो डिस्प्ले आपको एज यूजुअल देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है इसका प्रोसेसर, क्योंकि ये डिवाइस Qualcomm Snapdragon 750G के चिपसेट के साथ में आएगा जो कि 8nm बेस चिपसेट है और जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इवन ऐसा बताया जा रहा है कि ये चिपसेट Snapdragon 765G से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। अगर कैमरास को लेकर बात करें तो रेयर पैनल में आपको स्क्वायरी शेप में ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जहाँ पर प्राइमरी सेंसर 48MP का रहने वाला है। इसके अलावा 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल आपको एक डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर बात करें बैटरी फीचर को लेकर तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 20W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए आपको रेयर पैनल में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये डिवाइस एंड्रॉयड 10 के साथ में आएगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक स्टॉक एंड्रॉयड UI देखने को मिलेगा, मतलब नो ब्लॉटवेयर नो एड्स। तो आपको हमेशा की तरह एक कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ में देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अगर स्पेक्स को लेकर बात करें तो काफ़ी डिसेंट स्पेक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे हाईलाइटेड फीचर रहने वाला है इसका 5G चिपसेट। और 20,000 के प्राइस सेगमेंट में अगर ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च होता है तो यार बाकी कॉम्पिटिटर के लिए एक अच्छा खासा बेंचमार्क सेट कर देगा, तो आगे काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर बात करें लॉन्च डेट की तो हार्डली आप 8 से 10 दिन मान के चलो ये डिवाइस ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को लेकर और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्नैपड्रैगन 750G के परफॉर्मेंस को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा जब डिवाइस लॉन्च होगा, तो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं और आपके अकॉर्डिंग ये डिवाइस किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए। सो Motorola G5G को लेकर फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।